एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 10th 12th एक्सरसाइज 6.1 का 10th क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर 5 मीटर की है और एक दीवार के साथ वो लगी हुई है। इस तरह से देख सकते हो। ए बी सी ये लैडर हो गई हमारी ए सी। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा दोबारा से। लेंथ ऑफ लैडर ए सी इक्वल टू 5 मीटर। ये दीवार के साथ लगी हुई है। अब क्वेश्चन क्या है कि इस लैडर का जो बॉटम है, ये पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे लैड कर लेते हैं कि ये इसकी डिस्टेंस एक्स है और ये हाइट वाई है। लिख देते हैं लेट एनी टाइम टी, मान लेते किसी टाइम पे डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल इक्वल टू एक्स मीटर, मान लेते हैं इतनी है, एक्स मीटर है ना। और ये जो हाइट है ए बी, इसको हमने मान लिया वाई। अब क्वेश्चन क्या है कि इसका जो बॉटम है, द बॉटम ऑफ लैडर पुल्ड अवे अलोंग द ग्राउंड, इसके बॉटम को आगे खिसका रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये बॉटम को जो है ऐसे आगे खिसकाया जा रहा है और ये खिसका के ये वाला हिस्सा जो है हमारा यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो ऊपर से ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो लैडर जो है हमारी ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब ने लैडर को आगे खिसका दिया, किस रेट से खिसकाया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx by dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, किस रेट से हाइट कम होगी। जैसे इसको आगे खिसकाएंगे तो हाइट तो नीचे को जाएगी, तो क्वेश्चन है कि किस रेट से हाइट कम होगी। dy by dt हमें फाइंड करना होगा और किस टाइम पे, वेन लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब एक्स इक्वल टू 4 मीटर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है और डी वाई बाई डी टी हमें फाइंड करना है और ए सी कितना है 5। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2x डी एक्स बाई डी टी 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा डी वाई बाई डी टी आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। अब हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है कितनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक बात हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है एक्स 4 मीटर है, तो जब एक्स 4 मीटर होगा तो वाई कितना होगा, 3 मीटर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है, तो 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह लिख दो 4, वाई की जगह लिख दो 3, और मीटर से मीटर यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तो आंसर आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ हाइट डिक्रीज एट
8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से हाइट जो है डिक्रीज होगी लैडर की। तो उम्मीद है आ गया होगा सभी को समझ में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10।